अरे भैया क्या करते हो, कितना पतला दूध देने लग गए हो, मलाई तक नहीं आती अब दूध की। ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। जी तू ना मरवाएगी मुझे किसी दिन। अरे तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? अरे हाँ लाया हूँ ना। वाओ थैंक यू सो मच, मुझे कब से चाहिए था पता है। थैंक यू। कहीं तेरा पति वापस तो नहीं आ गया? लगता है वो शायद कुछ भूल गया है। एक काम करो तुम जल्दी से जाकर कहीं छुप जाओ, प्लीज जाओ। अरे क्या हुआ भाभी, आप इतना घबरा क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? अरे भाभी वो क्या है, मैं शाम को पार्टी में जा रहा हूँ तो भैया के पार्टी वाले कपड़े है ना वो दे दो। कपड़े? कौन से कपड़े? ये मैंने देखे कपड़े कौन से वहाँ अंदर रखे हैं, मैं देखता हूँ। अरे वो मैंने है ना साफ सफाई करी, सारा सामान बिखरा पड़ा है। काम करो तुम थोड़ी देर से आना, मैं ढूंढ के रखूंगी। अरे भाभी हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं, जल्दी ढूंढ लेंगे, चलो। अरे नहीं ना, मैंने बोला ना थोड़ी देर से आना, मैं ढूंढ के रखूंगी, जाओ। अरे जाओ ना, मैं ढूंढ के रखूंगी। अरे कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ, मैंने उसे भेज दिया है। तू ना यार मरवाएगी मुझे किसी दिन। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? अरे तेरे होते हुए किस बात की टेंशन यार, चलना अंदर चलते हैं। अरे यार अब कौन आ गया? लगता है बिट्टू वापस आ गया है, मैंने उससे बोला था मैं ढूंढ के रखूंगी कपड़े, थोड़ी देर से आना। तुम रुको मैं आती हूँ देख कर। मैंने तुम्हें बोला था ना मैं ढूंढ के। आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? कहाँ छुपा के रखा है उस हरामी को? किसकी किसकी बात कर रहे हैं आप? कोई नहीं है यहाँ। अरे अरे हुआ क्या बताइए तो सही। अरे बोलो तो सही क्या हुआ है? चुपचाप बाहर आ जाओ वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए आप गलत समझ रहे हो, कोई भी नहीं है यहाँ पर। देख ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, मैं सब जानता हूँ। देखना तेरे भैया क्या बोले जा रहे हैं, इनको समझाना कुछ। चुप। अरे उधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उधर। तो ये सब चल रहा था मेरे पेट पीछे, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा करते हुए? वो तो अच्छा हुआ बिट्टू ने टाइम पे मुझे सच बता दिया। हाँ हेलो भैया, जल्दी से आप घर आ जाइए, आज मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि जो मैं आपको बोलता था वो सच है। मैंने भैया को बहुत समझाने की कोशिश की भाभी, लेकिन ये आप पे इतना भरोसा करते हैं कि मेरी किसी बात पर विश्वास ही नहीं किया। तुम मुझे धोखा दोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, बोलो। इस सबके जिम्मेदार ना सिर्फ और सिर्फ तुम हो, शक्ल देखी तुमने अपनी, मेरे पति कम और बाप ज्यादा लगते हो। वो तो मेरे पिताजी ने पता नहीं क्यों सरकारी नौकरी के चक्कर में तुम जैसे इंसान से मेरी शादी करके मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तुम दिन भर ऑफिस में काम करते रहते हो, कभी कभी तो तुम रात को भी घर नहीं आते। आखिर मेरी भी तो कुछ जरूरत है, अगर उनको पूरा करने के लिए मैंने ये सब किया तो उसमें क्या गलत किया? मैं तुम्हारे साथ अब एक दिन और नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए, मतलब चाहिए, और मैं दूध वाले सब शादी करूंगी बस। ए दिमाग खराब है क्या तेरा, मैं खुद शादीशुदा हूँ, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता समझी, और मैं तो ये सब अपने मजे के लिए कर रहा था। तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो फिर मेरी क्या होगी, जा रहा हूँ मैं। सॉरी मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझे नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा है। हम सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं ना फिर से। अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं बिट्टू, अब तुम ही समझाओ ना अपने भाई को। भाभी अगर भैया की जगह मैं भी होता ना तो इतनी शर्मनाक हरकत के लिए मैं भी आपको कभी माफ नहीं करता। सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। माफ कर दूं और वो भी तुम्हें? तुम मुझे तलाक देना चाहती थी ना, अब मैं खुद तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से।